इस समय हम मौजूद हैं वार्ड 39 के एफ ब्लॉक में, जहाँ पे एक कॉलोनी में मौजूद हैं। और सीधे तौर पे हम लोगों की आज यहाँ राय जानने आए हैं कि नगर निगम के निकास चुनाव होने जा रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। और आज पब्लिक लाइव की टीम घर घर जाके लोगों से पूछेगी नगर निगम चुनाव में वो पार्षद को कितने नंबर देती है और कितनी हानियाँ और उपलब्धियाँ बताती है। इस समय मौजूद हैं वार्ड 39 में एक घर पर, जहां पर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और लोगों की राय पूछने हैं कि इस समय वो लोगों की क्या मशवरा है, क्या वार्ड 39 में इतने कार्य हुए हैं जितना कि पार्षदों ने वादे किए थे। और कुछ समाज सेवी, कुछ यहां के लोग यहां पे मौजूद हैं, तो सीधे तौर पर हम देर ना करते हुए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस समय क्या स्थिति चल रही है वार्ड 39 की। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार। नवीन जी, अभी वार्ड 39 में चुनाव चल रहे हैं और नगर निगम निकास के चुनाव गाजियाबाद में होने जा रहे हैं, तो आपकी क्या एक वैल्यू है, क्या लग रहा है कि किस तरह का चुनाव है इसमें? नहीं, हमारे जो वार्ड 39 में जो भी वार्ड पार्षद की तरफ से जो भी काम किए हैं वो सब सेटिस्फाइड हैं, हमारे जो कॉलोनी वासी हैं जो एफ ब्लॉक के। फिर भी जो भी आगे और जो भी हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह काम हुआ उसी तरह कंटिन्यू रहे। सर एक चीज़ और बताइए, जो कुछ लोग दबी आवाज़ में बोलते हैं काम नहीं हुआ काम नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने बाहर देखा काफ़ी डेवलप है पार्क, काफ़ी सफाइयां हैं, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल गलत है। हम तो हमारे पर्टिकुलर वार्ड में तो सब लोग खुश हैं और काफ़ी काम हुए हैं हमारे वार्ड में, पार्क में भी अच्छा काम हुआ है। बाकी कभी कोई सीवर की समस्या है तो इमीडिएटली पार्षद जी हमारे काम के लिए इमीडिएटली किसी न किसी को भेजते हैं, और बाकी बिजली की सब सारी समस्याएं जो है तुरंत जो है सॉल्व होती है। छोटा चुनाव होता है, लोगों के चेहरे पे होता है, व्यक्ति विशेष पे होता है, ना कि किसी पार्टी पे होता है, तो आपको लगता है कि यहाँ के जो पार्षद हैं मिलनसार हैं, लोगों के आपको सुनते हैं, हमेशा 24 घंटे आपके साथ सेवा में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे भी कोई भी इवन इंडिविजुअली भी कोई फोन या कोई कंप्लेन करता है तो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन निकलता है। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 9। एक नंबर किस चीज़ का काटा? नहीं, फिर भी हमेशा कोई भी इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा कोई ना कोई चांस रहता है, इसलिए आई थिंक नो इज ओके। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं नेहरू पार्क RWA का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। और बाकी आप जैसे पूछिए, आप क्या चौहान जी, अभी आपके वार्ड 39 में हम बैठे हैं, आप कहीं तो जैसे आप अध्यक्ष रह चुके हैं तो आप अभी हैं, तो आपको भली भांति बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि एक कॉलोनी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके कॉलोनी में सभी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं? लगभग हम ये मानते हैं कि जब से हिमांशु जी पार्षद बने हैं हमारी कॉलोनी में सफाई व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। जब भी हम कहीं भी कुछ भी अगर देखते हैं तुरंत फ़ोन करने के बाद मुश्किल से आधा पौन घंटे के अंदर अंदर वो सफाई व्यवस्था हो जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ कॉलोनी है ही बहुत साफ़ सुथरी, उसको मेंटेन पार्षद जी ने करवा रखा है। सीवरेज की हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, जैसी अगर कभी बाई चांस इस तरह की इमरजेंसी आती है तो तुरंत उस समस्या का हल होता है। पार्क में भी हमारे जो भी कार्य हैं वो सब सुचारू।